ਸੋ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, अमृतसर पूर्वी हल्के की नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे सी उन्हां दे सामने, हाजरी दे विच उन्हां दी नारे लगदे है कि बिक्रम मजीठिया तेरी बल्ले बल्ले, बाकी सब दी थले थले। ते इह तां हुण कुल मिला के जिहड़ी पिटारी 10 तरीक नूं खुलणी है, जिहदे विच लोकां दा फतवा कैद होणा है हुण तो 2 घंटे होर समय तक, कि आखिर बल्ले बल्ले किसकी होंदी है ते थले थले किसकी होंदी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र दे विच जित हार बनी है। 6 तो 7 उम्मीदवार मोटे तौर पर हर हल्के तो चोण पिंड दे विच ने, पार्टियां तो भी ने, आज़ाद भी ने, ते जितना एक ने है ते बाकियां दी हार तय होंदी है। सो इस दरम्यान ये तस्वीरां जरूर कितना किते परेशान करन वालियां होणगियां कांग्रेसी खेमे नूं। बिल्कुल, इत्थे इंट्रस्टिंग गल यह है कि नवजोत जदों अमृतसर पूर्वी तो इलैक्शन लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू वेरका पहुँचते ने, उन्हां दा जिहड़ा सियासी टक्कर है वह बिक्रम मजीठिया नाल हुंदा है। मजीठिया पोलिंग बूथ तो बाहर निकलते ने ते नवजोत सिंह सिद्धू उस बूथ के अंदर जाते हैं, कुछ समा लगाते हैं ते जदों बिक्रम मजीठिया तो निकल जाते हैं उस तो बाद उन्हां दे कारकुन उत्थे खड़े रहिंदे ने जिन्होंने नारेबाजी की है। इस नारेबाजी के भी वड्डे मायने हुंदे है। इसनू देखिए किवें असी नवजोत अगे प्रवोक करन दी कोशिश है जां अपने उम्मीदवार दे हक दे विच हा दा हुगारा समझा जांदा। देखो, कई चीज़ां चाणचक हुंदियां ने, कई चीज़ां जिवें सिद्धू ते बिक्रम इक्को बूथ ते इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपस दे विच प्लानिंग नहीं की होगी, क्योंकि आपस दे विच अजिहे लीडर जिन्हां दी बहुत ज़्यादा टसल रही होवे अजिही प्लानिंग नहीं हो सकती। पर बहुत चीज़ां पॉलिटिक्स दे विच प्लैंड हुंदियां ने, बहुत चीज़ां डिवेलप कीतियां जांदियां ने, ऑर्गेनाइज्ड हुंदियां ने। सो जिहड़े नारे लग रहे हैं जाहिर तौर दे उत्ते ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ।